नमस्कार आप देख रहे हैं मनी नाइन मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो के जरिए हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए तो शुरू करते हैं आज का शो कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ

ढाई अरब डॉलर जुटाने के लिए ग्लोबल निवेशकों से बातचीत कर रही है तीसरी खबर यह है कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी आरसीपीएल ने वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले कैंपा क्रिकेट नाम का ड्रिंक लॉन्च किया है चार सितंबर को, सितंबर को जब यह खबरें आई तो आर का शेयर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था इसके अलावा खबर यह भी है कि रिलायंस समूह ने अपने मेट्रो कैश एंड कैरी स्टोर्स के गेट सबके लिए खोल दिए हैं मतलब अब इसमें रिटेल और होलसेल यानी थोक सभी तरह के ग्राहक जाकर शॉपिंग कर पाएंगे अभी तक ये थोक कारोबार के लिए ही था रिलायंस ने जर्मनी की रिटेल कंपनी मेट्रो एजी के भारत के कैश एंड कैरी कारोबार को दो करोड़ रुपए में नौ महीने पहले खरीदा था जिसके बारे में हमने आपको कंपनीनामा के तिरपनवे एपिसोड में जानकारी दी भी थी दूसरी खबर एम एन एम की जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उत्पादन के लिए अहम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इस्तेमाल करने के लिए बातचीत पूरी हो गई है इसके तहत एम एन एम अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फॉक्सवैगन के ओपन व्हीकल प्लेटफॉर्म एम ई e. बी का इस्तेमाल करेगी फिलहाल इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऑडी कोपरा स्कॉडा और फॉक्सवैगन के साथ साथ पार्टनरशिप के तहत फोर्ड के मॉडल्स में हो रहा है आपको बता दें कि की अगले पांच सौ करोड़ तो कर रुपए के स्तर पर बंद हुआ था तीसरी खबर सोमवार चार सितंबर को पेटीएम का शेयर दो खबरों के चलते फोकस में रहा पहली यह कि पेटीएम ने एक कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है जो पेमेंट्स और कार्ड को मर्ज कर देता है इस डिवाइस के जरिए एन आधारित टैप और पेमेंट स्वीकार किए जाएंगे इसमें कार्ड भुगतान के लिए पिन की जरूरत नहीं होगी इसमें स्वाइप पेमेंट नहीं होगा और सिंगल ट्रांजैक्शन पाँच हजार रुपये से ज्यादा का नहीं हो सकेगा इसके अलावा दूसरी खबर ये थी कि एंडफिन की हिस्सेदारी खरीदने के बाद उन्नीस दशमलव चार दो फीसदी हिस्से के साथ विजय शेखर शर्मा कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं और इसके बाद उन्होंने घोषणा की है कि वो मौका देख रहे हैं इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का बशर्ते कोई हिस्सा बेच रहा हो 4 सितंबर को पेटीएम का शेयर हल्की कमजोरी के साथ बंद हुआ था चौथी खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग हुई कंपनी जियो फाइनेंशियल जे एफ यानी एल का शेयर इस हफ्ते दो खबरों के चलते फोकस में रहा पहली खबर यह थी कि 10 दिन तक टी टू टी यानी ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में रहने के बाद सोमवार 4 सितंबर से बीएससी ने जे के शेयर को रोलिंग सेगमेंट में ट्रांसफर कर दिया और शेयर की सर्किट लिमिट को पांच फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया। इस खबर पैसे आई कि जेफ का शेयर अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी के अलग अलग इंडेक्स से भी बाहर होगा गुरुवार सात सितंबर से एनएससी के अलग अलग इंडेक्स से यह शेयर बाहर होता हुआ नजर आएगा इससे पहले एक सितंबर से शेयर को बी के कई इंडेक्स से बाहर किया गया था जिसके बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में जानकारी दी भी थी सात सितंबर को एनएससी के इंडेक्स से बाहर होने के बाद जय का शेयर हल्की कमजोरी के साथ पर दिन की ऊंचाई से फिसल कर बंद हुआ था पांचवी खबर बीते वीकेंड पर खबर आई कि उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है ये इस्तीफा 1 सितंबर यानी बीते शुक्रवार से लागू हो चुका है हालांकि उनको इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक अपना पद छोड़ना था मतलब उन्होंने अपना पदभार समय से चार महीने पहले ही छोड़ दिया है इस दौरान यानी इकतीस दिसंबर तक बैंक के ज्वाइंट एम दीपक गुप्ता अंतरिम एमडी और सीईओ का कार्यभार संभालेंगे अड़तीस साल पहले नवंबर उन्नीस में उदय कोटक ने इस संस्थान की नींव रखी थी जिसे हम पहले कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जानते थे एक अगस्त 2002 से उदय कोटक इस बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर थे इस खबर के आने के बाद सोमवार 4 सितंबर को कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर करीब आधा फीसदी गिरकर पर दिन की ऊंचाई से करीब डेढ़ फीसदी फिसल बंद हुआ था छठी खबर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर को मंजूरी दे दी है हालांकि यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है इन शर्तों के मुताबिक दोनों एयरलाइन कंपनियों को एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को दिए गए कमिटमेंट्स यानी प्रतिबद्धताओं को मानना होगा जून में सीसीआई ने एयर इंडिया को एक नोटिस जारी किया था जिसमें पूछा गया था कि विस्तारा के साथ प्रस्तावित मर्जर की एविएशन मार्केट में प्रतिस्पर्धा के तहत जांच क्यों नहीं होनी चाहिए आपको बता दें कि विस्तारा टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस यानी एस की जेवी कंपनी है जिसमें टाटा सन्स की इक्यावन फीसदी और एस आई ए की उनचास फीसदी हिस्सेदारी है इसके अलावा इंडिया के सीईओ कैम्बल विल्सन के मुताबिक अप्रैल दो हजार तेईस से कंपनी ने साढ़े छह सौ पॉइलेट की भर्ती भी की है सातवीं खबर देश की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो ने बीते शुक्रवार को रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार से जुड़ी कंपनी एफ पीई एल उज्ज्वल प्राइवेट लिमिटेड में दस फीसदी तक हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है एफ पीई एल के साथ छह दशमलव तीन करोड़ रुपए की रकम में सौदा तय हुआ है हिस्सा खड़ी से जुड़ा सौदा 31 मई 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है की की स्थापना फरवरी 2022 में 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 एक SPV के रूप गई थी जिसके तहत कर्नाटक कैप्टिव सोलर पावर प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे इस हिस्सा खड़ी से विप्रो के कर्नाटक के ऑफिसिस में रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल का अनुपात बढ़ेगा खबर आने के बाद 4 सितंबर को विप्रा का शेयर करीब साढ़े चार फीसदी की मजबूती के साथ बंद हुआ था आठवीं खबर जिरोदा के को फाउंडर निखिल कामत ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी नजारा टेक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है बीते शुक्रवार को हुई इस डील पर निखिल कामत ने 100 करोड़ रुपए की रकम खर्च की है इस सौदे के बाद निखिल कामत की अपनी दो कंपनियों के जरिए नजारा टेक में हिस्सेदारी बढ़कर करीब साढ़े तीन फीसदी हो गई है जो पहले एक फीसदी पर थी खबर के चलते चार सितंबर को नजारा टेक का शेयर दस फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ आठ सौ के स्तर पर बंद हुआ था नौवीं खबर देश की दिग्गज फार्मा कंपनियों में से एक सिप्ला को खरीदने की दौड़ में प्रतिद्वंदी कंपनी टॉरेंट फार्मा सबसे आगे है सिप्ला को खरीदने के लिए टॉरेंट फार्मा ने दूसरी दावेदार कंपनी और अमेरिका की दिग्गज प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन से 30 फीसदी से भी ज्यादा ऊंचा ऑफर दिया है इसके अलावा पांच सितंबर को खबर आई कि सिप्ला की दक्षिण अफ्रीका की सब्सिडरी कंपनी सिप्ला साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में अपना कारोबार मजबूत करने के लिए एक्टर फार्मा को खरीदेगी दोनों कंपनियों के बीच चार दशमलव आठ करोड़ डॉलर की रकम में यह सौदा तय हुआ है आपको बता दें कि एक्टर फार्मा साउथ अफ्रीका की एक निजी फार्मा कंपनी है जिसका कंज्यूमर हेल्थ और जेनरिक मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन है पांच सितंबर को सिप्ला का शेयर हल्की बढ़त के साथ बारह रुपए पचास पैसे के स्तर पर बंद हुआ था दसवीं खबर इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी एथर एनर्जी ने अपने विस्तार के लिए हीरो हीरोमोटोकॉप और जीआईसी से करीब करोड़ की रकम जुटाई है आपको बता दें कि हीरो हीरोमोटोकॉप और जीआईसी कंपनी के मौजूदा हिस्सेदार हैं और इन दोनों कंपनियों ने राइट्स इशू के जरिए एथर एनर्जी में निवेश किया है एथर एनर्जी में हीरो हीरोप फिलहाल सबसे बड़ी शेयरधारक है और इस राइट इशू के जरिए कंपनी में साढ़े पांच सौ करोड़ रुपए का निवेश किया गया है इससे पहले मई दो हजार बाईस में एथर एनर्जी ने सीरीज ई फंडिंग राउंड में बारह दशमलव आठ करोड़ डॉलर की रकम जुटाई थी और उस समय कंपनी का वैल्यूशन पचहत्तर करोड़ डॉलर का था पांच सितंबर को हीरो हीरोमोटोकॉप का शेयर एक चौथाई फीसदी की कमजोरी के साथ दो हजार रुपए पैंतालीस पैसे के स्तर पर बंद हुआ था खबर एनएससी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी से देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल में अपनी हिस्सेदारी घटाने के लिए छह महीने की मोहलत की मांग की है दरअसल सेबी के नियमों के अनुपालन के लिए एनएससी के पास 2 अक्टूबर 2023 तक की समय सीमा है दरअसल दो में सेबी ने डिपॉजिटरी कंपनी में पंद्रह फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली किसी भी एंटिटी को अपना हिस्सा 2 अक्टूबर 2023 से पहले कम करने का निर्देश जारी किया था पर सेबी ने एनएसडीएल की करीब तीन हजार करोड़ रुपए की आईपीओ की अर्जी को टाल दिया था कंपनी नामा के बयासीवें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि एनएसडीएल ने शेयर बाजार में लिस्ट होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इसके तहत सेबी के पास आईपीओ से जुड़े दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं इस कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बी पर लिस्ट कराया जाएगा इस आईपीओ के जरिए एनएसडीएल की करीब ढाई करोड़ शेयर बेचने की योजना है एनएसडीएल में एनएससी की छब्बीस दशमलव एक फीसदी और आईडीबीआई बैंक की चौबीस फीसदी हिस्सेदारी है और इस आईपीओ के जरिए एनएससी की एनएसडीएल का ग्यारह दशमलव एक फीसदी और ईडीबी बैंक की नौ फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना है बारहवीं खबर जेएसडब्ल्यू ग्रुप अगले दो महीने में ही एमजी मोटर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने की शुरुआत कर सकता है यूके की ऑटो कंपनी एमजी मोटर्स की भारतीय इकाई में एमजी मोटर इंडिया में जेएसडब्ल्यू ग्रुप की माइनॉरिटी हिस्सा खरीदने की योजना है दोनों ग्रुप की इस डील को लेकर बातचीत शुरू हो गई है रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि एम मोटर इंडिया की हिस्सेदारी 1.2 से 1.5 अरब डॉलर के वैल्यूशन पर बिकने की संभावना है 5 सितंबर को जब यह खबर आई तो जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स का शेयर करीब डेढ़ फीसदी की बढ़त के साथ चार रुपए के स्तर पर बंद हुआ था तेरहवीं खबर पांच सितंबर मंगलवार को विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया यानी वीपी आर के आईपीओ की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग बेहद दमदार रही है निन्यानवे रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर वीपीआरपीएल का शेयर सड़सठ फीसदी के प्रीमियम के साथ एक रुपए पर और बीएससी पर एक रुपए 30 पैसे के स्तर पर लिस्ट हुआ दरअसल इस आईपीओ को रिस्पांस काफी शानदार मिला था जिस वजह से लिस्टिंग इतनी दमदार हुई है वीपीआरपीएल का आईपीओ कुल सतासी गुना सब्सक्राइब हुआ था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बिडर्स यानी QIBS का हिस्सा एक सौ इकहत्तर सात गुना वही एच एन का कोटा 111 गुना और रिटेल का हिस्सा कुल 32 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था 5 सितंबर को वी पी आर का शेयर सवा छियालीस फीसदी के प्रीमियम के साथ एक सौ चवालीस पैसे के स्तर पर बंद हुआ था चौथी खबर 6 सितंबर को खबर आई कि टाटा समूह की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट मशहूर स्नैक्स मेकर हल्दीराम में इक्यावन फीसदी यानी मेजोरिटी हिस्सेदारी खरीद सकती है एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों में इस बारे में बातचीत चल रही है खबर के मुताबिक हल्दीराम के प्रमोटर कंपनी के लिए 10 अरब डॉलर की वैल्यूएशन चाहते थे इस खबर के के आने के बाद बुधवार 6 सितंबर को टाटा कंज्यूमर का शेयर 4 फीसदी तक उछल गया था पर 7 सितंबर को खबर आई कि टाटा कंज्यूमर ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक हल्दीराम को खरीदने के लिए हो रही बातचीत का खंडन कर दिया है सात सितंबर को टाटा कंज्यूमर का शेयर मजबूत बाजार में भी दो फीसदी से ज्यादा बंद हुआ था खबर मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता का शेयर इस हफ्ते तीन खबरों के चलते फोकस में रहा पहली यह कि वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी वीआरएल करीब एक दशमलव तीन अरब डॉलर के लोन के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से बातचीत कर रही है एक रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए किसी तरह की रिस्ट्रक्चरिंग जैसी पूर्व शर्त भी नहीं होगी दूसरी खबर यह है कि वीआरएल ने घोषणा की है कि समूह को जैम्बियन कॉपर माइंस का फिर से कंट्रोल मिल गया है इसको लेकर कंपनी का जाम्बिया सरकार की इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग्स के साथ कुछ विवाद हो गया था और चार साल की कानूनी लड़ाई के बाद वेदांता को सफलता मिली है जिसके बाद समूह को उनासी दशमलव चार फीसदी हिस्से वाली कॉनकोला कॉपर माइंस यानी के में ओनरशिप और ऑपरेशनल कंट्रोल वापस मिल गया है आठ सितंबर को खबर आई कि वी की सिंगापुर और हांगकॉन्ग में अपने डेट होल्डर से कर्ज को रोल ओवर करने के लिए मिलने की योजना है आपको बता दें कि अगले साल वीआरएल को करीब दो अरब डॉलर के कर्ज का भुगतान करना है और ग्रुप के कई बॉन्ड्स पचहत्तर फीसदी वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं जिससे इन बॉन्ड्स में डिस्ट्रेस होने के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं आठ सितंबर को वेदांता का शेयर करीब आधा फीसदी की कमजोरी के साथ बंद हुआ था तो यह थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां लेकिन आप रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का जिसमें हम कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी ऐसी खबरों के बारे में बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है और पहली खबर खबर की ओर बढ़ते हैं बीते शुक्रवार को आई कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया है इसके बाद 2 सितंबर को ईडी की ओर से नरेश गोयल की 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड की मांग भी की गई थी और पीएमएलए कोर्ट की ओर से 11 सितंबर तक उनको कस्टडी में रखने की मंजूरी भी दे दी गई थी आपको बता दें कि नरेश गोयल पर बैंकों से लिए गए करीब चार करोड़ रुपए के लोन की साइफनिंग यानी गबन करने का आरोप है इस मामले में सरकारी वकील का कहना था कि 2011 से 2019 के दौरान इस पैसे का गबन किया गया और इसे विदेशी कंपनियों को डाइवर्ट किया गया अब इस बात की जांच करने की जरूरत है कि आखिर यह पैसा कहां डाइवर्ट किया गया है 4 सितंबर को जेट एयरवेज का शेयर दो फीसदी की गिरावट के साथ तिरसठ रुपये पंद्रह पैसे के स्तर पर बंद हुआ था दूसरी खबर वाडिया ग्रुप की कर संकट से गुजर रही एयरलाइन कंपनी गो को इंजन लीज पर देने वाली कंपनी इंजन लीज फाइनेंस बीवी यानी ई एल एफ बीवी ने बीते शुक्रवार को एनसीएलटी को बताया कि विमानों से अट्ठाईस दशमलव सात लाख डॉलर के पार्ट्स मिसिंग हैं यानी गायब हुए हैं और इसी के आधार पर इंजन को लेसर्स को लौटाने की मांग भी की गई थी पिछले महीने ई बीवी ने विमानों की जाँच की मंजूरी के लिए एनक्लेट का दरवाजा खटखटाया था यह बीबी की ओर से दी गई जानकारी के बाद एनसीएलटी ने कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी को मेंटेनेंस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा और इस मामले को 12 सितंबर के लिए स्थगित कर दिया है 4 सितंबर को बॉम्बे बर्मा का शेयर करीब पौने नौ फीसदी की मजबूती के साथ एक हजार तिरसठ पैसे के स्तर पर बंद हुआ था तीसरी खबर वाडिया ग्रुप की ही टेक्सटाइल और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी कंपनी बॉम्बे डाइंग ने एक्सिस बैंक के साथ जमीन को लेकर चल रहा विवाद सुलझा लिया है इस करार के तहत बॉम्बे डाइंग ने 4 सितंबर 2023 को एक्सिस बैंक के साथ 1541 स्क्वायर मीटर जमीन की कन्वेयंस डीड एग्जीक्यूट कर दी है दरअसल एक्सिस बैंक ने ग्यारह मार्च दो को आर्बिट्रेटर की ओर से बॉम्बे डाइंग के हक में सुनाए गए फैसले को चुनौती दी थी जिसके बाद ये अब करार किया गया है पांच सितंबर को बॉम्बे डाइंग का शेयर नौ की शानदार तेजी के साथ एक सौ इक्यावन रुपए पैंतालीस हाई बिच हुआ था पर एक्सिस बैंक के शेयर में हल्की गिरावट देखने को मिली थी चौथी खबर लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के शेयर में इस हफ्ते जबरदस्त एक्शन देखने को मिला पांच सितंबर को खबर आई थी कि स्पाइसजेट ने नौ लेस यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनियों को प्रेफरेंशियल आधार पर 231 करोड़ रुपए या 2.8 करोड़ डॉलर के बकाया भुगतान के बदले में चार दशमलव आठ एक करोड़ शेयर जारी किए हैं ये शेयर अड़तालीस के भाव पर जारी किए गए हैं इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने प्रमोटर ग्रुप कंपनी स्पाइस हेल्थ केयर को तीन दशमलव चार करोड़ इक्विटी शेयर और साढ़े तेरह करोड़ वारंट जारी करने की भी मंजूरी दी है इसकी वजह से शेयर में मजबूती आई और पांच सितंबर को स्पाइस का शेयर करीब साढ़े छह फीसदी चढ़कर तैतीस रुपए के स्तर पर रुपए के स्तर के पार बंद हुआ था 6 सितंबर को खबर आई कि एनसीएलटी ने कंपनी के लेसर सेलेस्टियल एविएशन की ओर से दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी को 15 सितंबर के लिए टाल दिया है और स्पाइजेट से बकाया रकम का भुगतान करने के लिए एयरलाइंस से कहा है कि वो इक्विटी शेयर जारी करने के प्लान को और आगे बढ़ाए इस खबर के चलते बुधवार को शेयर में बीस फीसदी का उछाल देखने को मिला और शेयर उनचालीस रुपए सत्तर पैसे के स्तर पर बंद हुआ था बीते पांच दिन में शेयर करीब पच्चीस फीसदी के आसपास उछल चुका है खबर आईडीबी बैंक का शेयर दो खबरों के चलते ही फोकस में रहा पहली खबर यह है कि सरकार ने आईडीबी बैंक की डाइवेस्टमेंट यानी विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसके एसेट वैल्यूशन के लिए बिड मंगवाई है सरकार और एल की इस बैंक में मिलकर करीब इकसठ फीसदी हिस्सा बेचने की योजना है चार सितंबर को आई बैंक का शेयर करीब साढ़े फीसदी की बढ़त के साथ पैंसठ रुपए के पार बंद हुआ था दूसरी खबर यह है कि आई बैंक ने जी सोनी मर्जर पर एन के फैसले को चुनौती दे दी है इस आदेश में ट्रिब्यूनल ने आई बैंक और अन्य बैंकों की आपत्ति को खारिज कर दिया था एन ने 10 अगस्त को जी सोनी मर्जर को मंजूरी दी थी 5 सितंबर को खबर आने के बाद आई बैंक का शेयर 9 फीसदी से ज्यादा की मजबूती के साथ करीब इकहत्तर रुपये के स्तर पर बंद होता नजर आया था छठी खबर अदानी समूह इस हफ्ते दो खबरों के चलते फोकस में रहा पहली खबर अदानी पोर्ट से जुड़ी है समूह के मुंद्रा पोर्ट ने अगस्त महीने में 1776 ट्रेनों को हैंडल किया है जो अभी तक का एक रिकॉर्ड है इसमें 1532 कंटेनर ट्रेनें शामिल हैं इन सब के जरिए पोर्ट ने अगस्त में 15.32 दशमलव तीन दो कार्गो हैंडल किया है 4 सितंबर को जब यह खबर आई तो अदानी पोर्ट्स का शेयर हल्की बढ़त लेकर बंद हुआ था दूसरी खबर यह है कि मॉरिशस और बर्मूडा से अदानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने वाले आठ पब्लिक फंड्स में से छह फंड्स बंद हो चुके हैं एक रिपोर्ट में कहा गया कि इन फंड्स के बंद होने की वजह से कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को उन लोगों का पता करने में मुश्किल होगी जिन्होंने इन फंड्स के निवेश से अदानी ग्रुप में फायदा उठाया है 6 सितंबर को अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स के शेयर एक चौथाई फीसदी तक की बढ़त के साथ बंद हुए थे और बीते पाँच दिन में अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स के शेयर ढाई फीसदी के आसपास उछले हैं सातवीं खबर सातवीं खबर एक समय देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यानी एफ के कर्ज समाधान के लिए मिली एकमात्र बोली को स्वीकार करने को लेकर बैंकों में काफी मतभेद है पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि बैंकों ने बोली लगाने वाली कंपनी स्पेस मंत्रा के ऑफर पर वोटिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी है 18 मई को खुली बोलियों के मुताबिक एन के पूर्व चेयरमैन अनूप कुमार मित्तल की ओर से स्थापित स्पेस मंत्रा एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने पूरी कंपनी को टेकओवर करने के लिए पांच करोड़ रुपए की बोली जमा की थी हालांकि स्पेस मंत्रा का ऑफर इस कंपनी के कुल बकाया का केवल पौने तीन फीसदी के आसपास हिस्सा है क्योंकि फ्यूचर रिटेल पर लैंडर्स का कुल उन्नीस करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है और इस एकमात्र बोली को स्वीकार करने को लेकर कुछ बैंक राजी हैं पर कुछ ने संदेह जताया क्योंकि बोली की रकम काफी कम है आठ सितंबर को फ्यूचर रिटेल का शेयर पौने तीन फीसदी की गिरावट के साथ साढ़े तीन रुपए के स्तर पर बंद हुआ था चलिए तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं फिनटेक फर्म भारत पे के चीफ बिजनेस ऑफिसर यानी सीबीओ बी निशान जैन ने इस्तीफा दे दिया है उन्होंने मई 2020 में कंपनी को ज्वाइन किया था और उसी साल भारत पे के मर्चेंट बेस को बढ़ाकर एक करोड़ करने के लिए वो जिम्मेदार रहे थे आपको बता दें कि निशान जैन ने डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म एंजल वन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सी असिस्टेंट बिजनेस के पद पर ज्वाइन किया है दूसरी खबर ग्रॉसरी डिलीवरी स्टार्टअप डंजो एक बार फिर अपने कर्मचारियों को वेतन समय से नहीं दे पा रही है रिलायंस और गूगल के समर्थन वाली यह कंपनी फंड जुटाने की चुनौतियों से जूझ रही है कंपनी नामक के अठासीवें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि निवेशकों की ओर से वैल्यूएशन में कमी पर सहमति ना बनने के चलते कंपनी फ्रेश पूंजी नहीं जुटा पा रही है कंपनी ने कहा है कि वो अब टुकड़ों में कंपनी कर, अपने कर्मचारियों की सैलरी देगी तीसरी खबर इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने ताजा फंडिंग राउंड में 14 करोड़ डॉलर की पूंजी जुटाई है कंपनी में पहले से निवेशित और सिंगापुर की कंपनी टेमसेक ने इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया इस फंडिंग राउंड के बाद ओला इलेक्ट्रिक का वैल्यूशन बढ़कर पांच अरब डॉलर हो गया है जबकि पिछले साल जनवरी में इस कंपनी की वैल्यू पाँच अरब डॉलर थी आपको बता दें कि इस कंपनी की आईपीओ के जरिए 70 करोड़ डॉलर तक की रकम जुटाने की तैयारी चल रही है और उससे पहले कंपनी की 25 करोड़ डॉलर की पूंजी हासिल करने की मंशा थी 2019 से लेकर अब तक ये कंपनी निवेशकों से चौरानवे करोड़ डॉलर की रकम जुटा चुकी है चौथी खबर हॉस्पिटैलिटी और ट्रेवल टेक ओयो के इंडिया अंकित और यूरोप के, के दो अधिकारियों को सौंप दिया गया है कंपनी की ओर से जारी स्टेटमेंट के मुताबिक वरुण जैन को सी इंडिया और गौतम स्वरूप को सीईओ ओयो वेकेशन होम्स का पदभार दिया गया है गौरतलब है कि ये इस्तीफे तब आए हैं जब कंपनी अपना आईपीओ लाने के बेहद करीब है तो ये था कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ा बीते कारोबारी हफ्ते का पूरा अपडेट उम्मीद है आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा होगा और आपको कॉर्पोरेट्स के साथ साथ स्टार्टअप जगत का पूरा वीकली अपडेट भी मिल गया होगा आपको हमारे शो में क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है आप क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं देखना चाहते हैं इस पर आप अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट बॉक्स में तो मिलते हैं आपसे अगले शनिवार की शाम को इसी समय नई खबरों के साथ तब तक आप देखते रहिए मनी नाइन नमस्कार शुभरात्रि